फ्रेंड्स नमस्कार, आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाह आयुर्वेदिक औषधि केंद्र एवं बाटा इलेक्ट्रोथेरेपी सेंटर में स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसी रेमेडी जिसको जीई बोलते हैं। साथियों आप सबको पता है कि इस समय हमारी सीरीज चल रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, जो मेडिसिन हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में 114 मेडिसिनल प्लांट से सभी रेमेडी को बनाया गया है, जिसमें 37 मेडिसिन हैं और 6 इलेक्ट्रिसिटी हैं। 37 जो मेडिसिन हैं वो 8 ग्रुपों में हैं, जैसे ए ग्रुप, एल ग्रुप, वी ग्रुप, वेन ग्रुप और एस ग्रुप, सी ग्रुप, इस तरीके ए ग्रुप, इस तरीके से 8 ग्रुप में वो रेमेडी हैं। फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूं कि उनके ऊपर हमारा वीडियो बन चुका है, आप चैनल में जाके हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं, आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इलेक्ट्रो होम्योपैथ क्या है इसके बारे में भी हमने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एक बहुत ही बेहतरीन इलेक्ट्रिसिटी, जिसको नाम है जीई यानी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, इसके ऊपर हम बात करेंगे। फ्रेंड्स यह जो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। फ्रेंड्स किस में, आइए हम उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे साथियों तो इस चीज़ को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसे लोगों तक जरूर पहुँचा दें जिससे किसी भी नेटिव पर्सन को लाभ मिल सके, या कि जो भी डॉक्टर्स प्रैक्टिशनर हैं या कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी हेल्पफुल होगा, अपन एक दूसरे से सीखेंगे। फ्रेंड्स तो आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी में 8 मेडिसिनल प्लांट के फ्लावर्स को यूज किया गया है। आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लावर्स से, स्पेशली सिर्फ फ्लावर्स से ही तैयार की जाती है। फ्रेंड्स तो इसमें 8 मेडिसिनल फ्लावर्स को इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में हम एक एक के बारे में बात करेंगे कि इनके अंदर क्या मेडिसिनल गुण है, फिर इस जो मेडिसिन को या रेमेडी को किस सिम्टम्स में हम दे सकते हैं, किस रोगी को दे सकते हैं और यूज करने के तरीके क्या हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो पहली मेडिसिन है या कि पहला मेडिसिनल प्लांट है, क्योंकि इसमें 8 मेडिसिनल प्लांट का कॉम्बिनेशन है, वो है एल्थिया ऑफिसिनलस। यह रेमेडी स्पेशली क्या करती है, रिलीविंग टू क्रॉनिक कफ, प्रिवेंटिंग अगेंस्ट अल्सर। जो भी हमारे शरीर में कफ बनता है, कफ के बाद अगर अल्सर तैयार होता है या कि अन्य किसी पार्ट में अगर अल्सर बन रहा है जो कि कल चल के कैंसर का रूप धारण कर लेगा, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो उसके ऊपर यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है और इसके यहाँ बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं। फ्रेंड्स इसके साथ साथ हीलिंग टू क्रॉनिक एंड एक्यूट वुंड्स, यानी कि जो हमारे क्रॉनिक और एक्यूट घाव है जो नहीं सूख रहा है, यहाँ तक कि गैंग्रीन फ्रेंड्स जो डायबिटीज़ की बात हो जाती है जिसमें से कि दवाइयाँ काम नहीं करती, उस जैसे घाव को सुखाने की क्षमता होता है इट्स मेडिसिनल प्लांट में। इसके साथ साथ फ्रेंड्स ये हमारे गले में, यानी कि कब ये काम करता है, ड्यू टू एसिड रिफ्लेक्शन, यानी कि जब एसिड का रिफ्लेक्शन होता है तो हमारे सीने में और गले में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जलन होती है, एसिड का बिल्कुल जलन होता है, अगर ऐसे सिम्टम्स हैं उस केसेस के ऊपर भी यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है। फ्रेंड्स फ्रेंड्स दूसरी रेमेडी है, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं, बाकी डीप में पढ़ेंगे तो और बहुत सारी जानकारी मिलेगी। दूसरी रेमेडी है एल्बम लेंस, एक ऐसी रेमेडी है फ्रेंड्स जो कि रिड्यूस टू रिस्क ऑफ सीवीटी, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीजेस होती हैं अगर उसके रिस्क हैं उसके ऊपर इसके बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है और बहुत यूनिक रेमेडी है और बहुत ही अच्छा हमारे हार्ट से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसके ऊपर इसके रिजल्ट रहे हैं प्रैक्टिस में भी। फ्रेंड्स आगे हम बात करेंगे रिच सोर्स ऑफ सम मिनरल्स सच एज कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स इसमें बहुत अच्छे तरीके से पाए जाते हैं, जो स्पेशली हमारे बोन्स के ऊपर, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर, हमारी मेटाबॉलिक फंक्शन के ऊपर बहुत अच्छा ये काम करने वाले मिनरल्स होते हैं, बिना इनके संभव नहीं है फ्रेंड्स, जो कि हमारे ब्लड का प्रॉपर सिस्टम बना के रखते हैं, वो चाहे हमारा लिम्फ हो या ब्लड हो। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स पॉपुलस एल्बा, एक ऐसी रेमेडी है जो कि आरए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, डाइजेशन संबंधी समस्याएं जो हुआ, फिर इसके बाद लीवर्स डिसऑर्डर्स या कि लीवर डिबिलिटी मतलब समस्याएं जो भी हैं फ्रेंड्स उसके ऊपर भी यह काम करती है। दूसरा चीज एवेनोरिया, मेनोरिया के ऊपर भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट रहे हैं, आल्सो रिड्यूस टू क्रॉनिक फीवर, मतलब क्योर टू क्रॉनिक फीवर, तो जैसा पुरानी से पुरानी बुखार हो उसके ऊपर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। और आपको पता है कि जो रेमेडी लीवर के ऊपर काम करती है वो हमारे लिम्फ और ब्लड के ऊपर तो है ही है, क्योंकि लीवर ही उनका प्रोडक्शन करता है और उनका मेन जो कॉम्बिनेशन है वो बना के रखता है। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स पॉपुलस ट्रेमुलाइड्स, एक ऐसी रेमेडी है जो जॉइंट फ्रेंड्स, आरए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डिसकम्फर्टनेस ऑफ ब्लैडर, यानी कि अगर पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, ब्लैडर में दिक्कत हो रही है,
तो उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छा काम करता है यूरिनरी ब्लैडर। और इसके साथ साथ फ्रेंड हम बात करना चाहते हैं बैक पेन, यहाँ तक कि साटिका के ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। मैं आगे बात करूँगा नर्वस पेन, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम में कोई भी दर्द है या कि दिक्कतें हैं उसके ऊपर इस रेमेडी के बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं और बहुत अच्छी यह रेमेडी है फ्रेंड्स। अगला हम बात करेंगे कोनियम माइकुलेटम, फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी रेमेडी है, स्पेशली अगर कोई इंसान इंजर्ड हो गया हो और उसका जो नर्वस सिस्टम हो वो रिकवर ना कर पा रहा हो, किसको किसको इस्तेमाल करने से, हाइपेरिकम कालीफॉस के साथ साथ अर्निका भी अगर आपने दे दिए हैं और पेशेंट को आराम नहीं हो रहा है उस जैसे कंडीशन में ये रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है रस्टक्स की तरह फ्रेंड्स। दूसरा चीज़ हम बात करेंगे कि अगर कान में बहुत ज़्यादा खूंट यानी वॉक्सेस जम जाते हैं और काफ़ी दिक्कत होती है, आप इसको थोड़ा सा अगर मदर टिंचर है या कि पोटेंसी में उसके माध्यम से भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, ऑटोमेटिक वो पिघल के निकल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स, एनस में अगर डिस्कम्फर्टनेस हो, मल बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से अगर छिल रहा हो या कि जो शुरू में मल निकलता है अगर उसमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो, ऐसे सिम्टम्स में भी कोनियम के रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला है फ्रेंड्स। एक्सीडेंटल केस में अगर घाव ओपन ना हो, सॉरी जो वहाँ पे जहाँ पे चोट लगी है बिल्कुल अगर वो ओपन ना हो, उसमें अर्निका के साथ साथ इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे इसका कि बहुत अच्छा इसका रिजल्ट एक और केस में फ्रेंड्स, पेनफुल स्टिफनेस, बहुत सारे दर्द आप ऐसे देखेंगे कि किसी वजह से स्वेलिंग आएगी फिर वहाँ पे जकड़न, स्टिफनेस यानी जकड़न बहुत ज़्यादा हो जाती है और पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, उस जैसे केस में कई बार खिंचाव वाला दर्द होता है, कई बार पिंच वाला दर्द होता है, दोनों कंडीशन में इसको दिया जा सकता है और बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगला हम रेमेडी के ऊपर बात करेंगे यानी 6 नंबर रेमेडी जो है सम्बुकस नियाग्रा। यह रेमेडी कोल्ड कफ स्पेशली बच्चों में हो, जब नाक जाम हो जाती है बच्चों में, आप अक्सर देखिए कि जब सर्दी जुकाम बनती है तो उनका पूरा नाक चौक हो जाता है, जाम हो जाता है फ्रेंड्स। अभी हमारे पास एक ऐसा केस आया था जो कि जाने माने डॉक्टर के यहाँ से रिटर्न हो गया था एलोपैथ से, उस केस में पेशेंट को नाक भी चौक हो जाता था और उसका पता नहीं क्या हुआ कि वो दूसरे मर्ज की दवाई करा रहे थे तो उसको 6 महीने से उसका मल इतना टाइट हो गया था कि बच्चा 3 साल की बच्ची है उसको काफ़ी दिक्कतें होती थी और जैसे वो टॉयलेट जाती थी तो उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती थी क्योंकि उसका म्यूकस पूरी तरीके से वहाँ पे काफ़ी टाइट होने की वजह से उसकी जो दीवार है एनस की वो छील जाती थी और बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ रहती थी। तो उसमें अपन ने इस जीई को दिया, अपन ने उसके साथ साथ अपन ने चिल्डोनियम बर्बेरिस भी दिया था और अपन ने उसको नक्स की सिर्फ 30 पोटेंसी को अपन ने 3 बार दिया था, वो स्वस्थ हो गए पूरी तरीके से। आज वो 3रा दिन है और उसका जो मल है वो ढीला पड़ गया और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले फ्रेंड्स, ये खुशी होती है। कम बैक टू पॉइंट, अगर इसमें अगला सिस्टम है इसका जो सिम्टम्स है फ्रेंड्स वो इडमा, इडमा किसको कहते हैं, शरीर में अनवांटेड इन्फ्लेमेशन और उसमें अगर आप पिक करते हैं यानी कैसे दाबेंगे तो गड्ढा बन जाएगा और अपने आप वो उभार आ जाएगा, यानी लीवर और किडनी की खराबी की वजह से या कि प्रॉपर फंक्शन ना करने की वजह से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ती है और बहुत सारे समस्याएं जनरेट होना शुरू हो जाती है, हार्ट फेलियर का भी ये लक्षण देखने को मिलता है फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे इस रेमेडी के बारे में एंजाइटी, किसी को अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डर हो, घबराहट हो या अपने संबंधित कोई भी समस्या हो उसमें भी इस रेमेडी के रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। इसके साथ साथ नेफ्लाइटिस, अगर प्रॉपर हमारी किडनी फंक्शन ना करती हो, ना काम करती हो, उस जैसे केस इसके बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है फ्रेंड्स। एक और केस जो कि काफ़ी कॉमन है उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं, वो ऐसा केस है फ्रेंड्स कि आप अक्सर देखेंगे कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि सोते रहते हैं लेकिन उनकी जो आँखें हैं वो क्या होती हैं, ओपन रहती हैं या कि आधा खुली रहती हैं, ऐसे कंडीशन के लिए भी यह रेमेडी बहुत अच्छा काम करती है फ्रेंड्स। अगली रेमेडी हम बात करेंगे 7 नंबर रेमेडी के ऊपर, हेमामालिस वर्जिनिका फ्रेंड्स। ये वैरिकोस वेंस यानी कि जहाँ पे वेंस बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है, आप बहुत सारे लोगों में देखेंगे कि पैरों में हाथों में नसी नसी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है देखने को आपको मिलता है, ऐसे सिम्टम्स में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स कि हेमामालिस उसमें बहुत अच्छा काम करती है। नासों से संबंधित किसी भी समस्या की तरह, हाइपेरिकम की तरह इसको भी दिया जा सकता है। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही हो, वो चाहे पाइल्स की हो या कि और भी कहीं से भी आर्टेरियल या कि नस जो ब्लीडिंग होती है उसके ऊपर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। अगले हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके साथ साथ ये रिड्यूस टू स्किन इरिटेशन, हेल्प टू ट्रीट ऑफ द हेमोरॉइड्स, जैसा कि अपन ने बताया ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, फाइट एक्ट
मुहासों के ऊपर भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। स्मूथ सोर थ्रॉट यानी कि गले में अगर कोई समस्या उसके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्किन डिसीजेस हमारे त्वचा से संबंधित किसी भी प्रकार के रोग के लिए इसके रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिले हैं फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स, अगली रेमेडी है फाइटोलका डिकांड्रम डिसांड्रम, एक ऐसी रेमेडी है फ्रेंड्स जो कि क्रोनिक रूमाटॉइड आर्थराइटिस हो, गले से संबंधित समस्या हो, महिलाओं में ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा भारीपन हो गया हो या उसमें सिस्ट बन रही हो, ऐसे सिम्टम्स में भी फाइटोलका काम करती है। ओवर वेट के ऊपर भी फाइटोलका काम करता है फ्रेंड्स, खासकर ऐसे महिलाओं में आप देखे होंगे कि जिसमें से ब्रेस्ट का बहुत ज़्यादा अनवांटेड वेट हो जाता है, ऐसे सिम्टम्स में अगर फाइटोलका दिया जाए, फाइटोलका फ्यूकस बेसिकुलस के साथ दिया जाए तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। अगर दोनों को मदर टिंचर को आप आधे आधे मिला के उनको देना शुरू करें तो ऐसे केस में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यह रेमेडी एंटी कैंसर होती है, ब्रेस्ट कैंसर में भी काफ़ी इस्तेमाल होती है, लंग्स के ऊपर और हमारे गले के ऊपर भी बहुत अच्छा, खासकर जब लोगों को टॉन्सिलाइटिस हो जाती है उसमें भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स ये तो 8 जो मेडिसिनल प्लांट थे, हमने उसका जो मेन मेडिसिनल गुण था उसके बारे में हमने चर्चा करने की कोशिश किया। इसका जो पोटेंसी है फ्रेंड्स, जो पहली रेमेडी है यानी कि अल्थेरिया ऑफिसिनलस 10% भाग है, इर्वम लेंस 20% है और पापुलस अल्बा 25, पापुलस ट्रेमोलाइड्स 25 और कोनियम मैकुलेटम 10% और सेम्बुकस नियाग्रा 10% और हेमामेलिस वर्जिनिका ये भी 20% है और फाइटोलका 10% है। ये 8 मेडिसिनल प्लांट के फ्लावर को मिला के तैयार हो गई आपकी जीई यानी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मेथड बनाने का ओवेशन मेथड, जिसके बारे में हम पुराने वीडियो में चर्चा किया, समझ रखते हैं। अब ये रेमेडी तैयार होने के बाद फ्रेंड्स स्पेशली कहाँ कहाँ इसको हम चला सकते हैं, थेराफिटिकली हम इसको किसको किसको दे सकते हैं, बाकी तो आपका डॉक्टर और आप इसको पेशेंट के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए और दीजिएगा फ्रेंड्स। यह जो रेमेडी है स्पेशली गैंग्रीन क्रोनिक ओंड जो घाव ना ठीक हो रहा हो, गैंग्रीन हो गई हो, कैंसर कैंसर का घाव हो बहुत ज़्यादा बह रहा हो, उस कंडीशन में इसको एप्लीकेशन के रूप में लगवाया जाता है। दूसरा चीज़ फ्रेंड्स डिसीज ऑफ बोन हड्डियों से संबंधित किसी भी प्रकार की बीमारी में इसको दिया जाता है, पाइल्स फिसर फिस्टुला लेप्रोसी कोड इसको बोलते हैं, लिकोरिया फिर लिकोडर्मा, इन सभी केस में यह रेमेडी बहुत प्रभावी है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट रहे फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज था हमने बताने का प्रयास किया, अगर कुछ है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको क्लिनिकल कोई भी समस्या है या कि आपको दवाई करवानी है मेडिसिन लेनी है उस कंडीशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप में संपर्क भी कर सकते हैं, मेरा कॉलिंग नंबर है फ्रेंड्स 9424328837, व्हाट्सएप नंबर विथ कॉलिंग नंबर 9229488850। फ्रेंड्स अनुमति दीजिए, हम मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, लेकिन उसके पहले अगर आपको लगे कि यह वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है तो लोगों तक जरूर पहुंचाइए फ्रेंड्स, जिससे किसी नीडी पर्सन को इसका लाभ मिल सके। बाय बाय।